ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको भगवती यानी कि श्री देवी भागवत महापुराण में से भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप का वर्णन करेंगे। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, सावित्री ने धर्मराज से कहा, अब आप मुझे भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक से तर जाते हैं। भगवान मुक्ति किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? एवं किए हुए कर्मों के भोग का नाश किस प्रकार हो सकता है? ये सारी बातें मैं जानना चाहती हूँ। सावित्री ने फिर प्रश्न किया कि अगर किसी से पाप हो जाता है जाने अनजाने में, क्या कोई ऐसा विधान है, कोई व्रत है, कोई ऐसा पुण्य कर्म है कि जो वह पाप खत्म हो जाए, मनुष्य उस पाप से छुटकारा पा सके? धर्मराज बोले, पुत्री, तुम्हें जिस चीज की अभिलाषा थी वह तो मैं पहले ही प्रदान कर चुका हूँ। अब तुम जो भगवती जगदम्बा की भक्ति चाहती हो वह भी मेरे पहले दिए वर के प्रभाव से ही मिल जाएगी। हे कल्याणी, तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की कथा सुनना चाहती हो यह बहुत ही विलक्षण है। इसके पूछने, कहने और सुनने वाले सभी अपने वंश को पार लगाने वाले हैं, परंतु यह बहुत ही कठिन कार्य है। सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी इसे कहने में समर्थ नहीं है। मृत्युंजय भगवान शिव भी यदि अपने पांच मुखों से बताने लगे तो भी वे समर्थ नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता भगवती जगदम्बा के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। वे देवी भक्तों के लिए दुर्लभ भी हैं। पुराने समय की बात है, भगवान शिव एक बार गोलोक में गए थे। वहां एक निर्जन कानन में रास मंडल का आयोजन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को भगवती जगदम्बा के कुछ पवित्र गुण सुनाए थे। इसके बाद स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उनका उपदेश दिया था। सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने उनकी व्याख्या की थी कि मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के लिए वन में गए हुए थे। बाद तपस्या जब उनकी पूरी हो गई, तपस्या करने के बाद देवी की उपासना करके इस ज्ञान को कुछ प्राप्त कर सके थे, तब पिताजी ने मेरे सम्मुख भगवती के गुणों को बताया था, उनकी महिमा गाई थी। उस समय मैंने जो कुछ सुना था उसे सूक्ष्म दुर्लभ विषय को आज मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का पहला रूप सर्वाई है। सभी वस्तुओं की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है, यानी इसीलिए उनका नाम सर्वाई है। भगवती जगदम्बा शक्ति और महामाया नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका कोई रूप नहीं है। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे विविध रूप धारण करती रहती है। इसी कारण परब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अभिन्न स्वरूप हैं। श्री कृष्ण सभी के एकमात्र महेश्वर हैं। ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा कर्मानुसार संपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार देवता सबको तपस्या तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं की आज्ञा से भगवान विष्णु को सबका रक्षक माना गया है। साध्वी उन्हीं का भय मानकर श्री देवता लोग सब प्रकार के कार्य करते हैं और शीघ्र गामियों में प्रमुख पवन चलते हैं और सूर्य निरंतर तपते हैं। उन्हीं के आदेश से इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्यु प्राणियों पर प्रभाव डालती है, अग्नि जलाती है तथा जल शीतल करते हैं। उन्हीं की आज्ञा से पृथ्वी पर प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा नष्ट होते रहते हैं। हे पतिव्रते, देवताओं में इंद्र की आयु 71 युगों की होती है। ऐसे 28 इंद्रों के व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इस प्रकार 3 दिनों का एक मास होता है।
ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु मानी जाती है। ब्रह्मा के शांत होने पर माया विशिष्ट प्रकृति ब्रह्म परमात्मा की एक पलक गिरती है। जब वे आंख बंद कर लेते हैं तब उसको प्रलय कहा जाता है। उस समय प्राकृतिक प्रलय के समय समस्त देवता, चराचर जगत और विधाता ये सब भगवान श्री कृष्ण की नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव श्री कृष्ण के ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। विष्णु की संपूर्ण शक्तियां दुर्गा में चली जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। लक्ष्मी की अंशभूता देवियां लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। समस्त गोपियां तथा समस्त देवताओं की पत्नियां श्री राधा में लीन हो जाती हैं। श्री राधा अपने प्राणेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्राणों में निवास कर जाती हैं। चारों वेदों के यानी कि चारों वेदों ने मुक्ति के चार रास्ते बताए हैं। भक्त व्यक्ति परम पिता परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं रखते। वे पर ब्रह्म तत्व अमरत्व और शिवत्व की भी अवहेलना करते हैं, यानी उनको ये भी नहीं चाहिए। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति में अंतर है। इस प्रकार बताकर सूर्यपुत्र धर्मराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवित देकर सावित्री को शुभ आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद धर्मराज जाने के लिए तैयार हो गई। उन्हें जाते देखकर सावित्री ने उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया। धर्मराज जाते हुए बोले, सावित्री तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत समय तक सुख भोगने के बाद उस लोक में जाओगी जहाँ पर भगवती स्वयं विराजती हैं। अब तुम अपने घर को जाओ और भगवती सावित्री देवी का व्रत करो। इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। श्रेष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन मंगल प्रदान करने वाली षष्ठी देवसेना की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ मास की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली भगवती मनसा की पूजा की जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रास के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिका यानी राधिका जी की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक माह के शुक्लाष्टमी के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार धर्मराज सावित्री को उपदेश देकर अपने स्थान को चले गए। सावित्री सत्यवान को लेकर अपने घर लौट आई। धर्मराज ने वरदान के फल स्वरूप सावित्री के पिता पुत्रवान हो गए। उसके ससुर की आंखों में रोशनी आ गई और उनका खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो गया। सावित्री स्वयं भी कई पुत्रों की माता बनी। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारत वर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोग कर अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गई। सूर्य के अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधि देवता होने से इसका नाम सावित्री पड़ा, अथवा संपूर्ण वेदों की जननी होने से संसार में इनका नाम सावित्री प्रसिद्ध हो गया। भक्तजनों, इस प्रकार से अब हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। बोल सावित्री माता की जय। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे, तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।